नमस्कार दोस्तों, सुबह के 5:20 हो रहे हैं और मैं अपने छत पे हूँ। आप देख रहे हैं किस तरह से चिड़ियों की आवाज़ है और मध्यम मध्यम हवा चल रही है। अब लग रहा है कि बरसात होने को था लेकिन हुआ नहीं, बहुत गर्मी भी किया हुआ है, तो एक उमस टाइप से है माहौल में। इस बीच मैं आपसे बात करने वाला हूँ मार्केट के बारे में। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कल का दिन मार्केट कैसा रहा? मार्केट एक बहुत चौपी मार्केट रहा, लोगों को बहुत छकाया मार्केट ने। अब आज क्या कैसा मार्केट रहने वाला है? 19,250 पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। अब क्या वो लेवल टूट जाएगा या वो लेवल सस्टेन करके फिर ऊपर आएगी? ये सारे बिंदुओं पे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आफ्टर लॉजिंग द मोमेंटम फ्रॉम डेज हाई लेट ट्रेड इन द प्रीवियस सेशंस, द मार्केट कंटिन्यूड इट्स डाउन ट्रेंड एंड अमिड वोलेटिलिटी ऑन August 31st टू द मंथली एक्सपायरी डे। गोइंग अहेड द निफ्टी 50 इज लाइकली टू टेक सपोर्ट 19,250 और 19,200 पे सपोर्ट ले रहा है एरिया एंड फेलियर टू होल्ड द सेम कैन एक्सटेंड सेलिंग अप टू 19,100 और 18,900 भी मिल सकता है अगर ये लेवल को टूटता है, 19,200 टूटता है या 19,250 टूटता है। तो अपसाइड हमें डाउनसाइड मिल रहा है 19,100 और 18,900 भी मिल रहा है अगर 19,250 का लेवल टूटता है, वाइल 19,400 और 19,500 जो है ये रेसिस्टेंस का काम करेगा। एक्सपेक्टेड टू रिमेन ए की हर्डल एरिया ऑन द हायर साइड, एक्सपर्ट बता रहे हैं सर। दिया BSE सेंसेक्स ड्रॉप 256 पॉइंट गिरा है, 64,831 पे बंद हुआ है, वाइल निफ्टी 50 डिक्लाइन 94 पॉइंट गिरा है, 19,254 पे बंद हुआ है एंड फॉर्म ए बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है ऑन डेली स्केल। द इंडेक्स हैज ब्रोकन 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तोड़ दिया है और वो खड़ा हुआ है आके 19,289 पे। टेक्निकली द कैंडलस्टिक पैटर्न इंडिकेट दैट मार्केट इज नाउ प्लेस एट द एज ऑफ डाउनसाइड ब्रेकआउट ऑफ सपोर्ट 19,250 और 19,200 के लेवल पे। नागराज सेठी ये बता रहे हैं HDFC सिक्योरिटीज के। द नेगेटिव चार्ट पैटर्न लाइकली लोअर टॉप्स एंड बॉटम इज इंटैक्ट ऑन डेली चार्ट, हेंस ही फील्स द अंडरलाइंग ट्रेंड ऑफ निफ्टी रिमेन चोपी विथ वीक बेयर्स। तो अभी वीकनेस कंटिन्यू रह सकता है। देर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ वीकनेस बिलो 19,200 इन द कमिंग सेशंस, द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इज प्लेस्ड अराउंड 19,000 और 18,900 के लेवल पे, वेयर वन में एक्सपेक्ट सीजेबल अपसाइड बाउंस फ्रॉम द लो। तो नीचे से हो सकता है बाउंस आ जाए। द ब्रॉडर मार्केट कंटिन्यू टू सी बाइंग इंटरेस्ट एज द निफ्टी मिड कैप में बाइंग हुआ 100 गेंस 0.11% बढ़ा है एंड स्मॉल कैप रोज 0.8% बढ़ा है। द मार्केट ब्रेथ वॉज नॉट वेरी वीक एज इट स्लाइटली टाइटल्ड इन फेवर ऑफ बेयर्स, तो बेयर्स का हमला जारी हो गया है। पाइवट पॉइंट कैलकुलेटर बता रहा है निफ्टी पहला सपोर्ट मिल सकता है 19,226 पे, दूसरा सपोर्ट मिल सकता है 19,124 पे, तीसरा सपोर्ट मिल सकता है 19,200 पे। वहीं आपका रेसिस्टेंस का बात कर लेते हैं, तो पहला रेसिस्टेंस मिल सकता है 19,351 पे, दूसरा 19,390 पे, तीसरा 19,453 पे। निफ्टी बैंक का बात कर लेते हैं, निफ्टी रिमेन अंडर प्रेशर, निफ्टी बैंक भी अंडर प्रेशर था फॉर कंजुकेटिव सेशंस, फॉलिंग 243 पॉइंट गिरा है, 43,889 पे बंद हुआ है एंड फॉर्म बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है ऑन डेली टाइम फ्रेम विथ लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन बट टूक सपोर्ट ए डाउन ट्रेंड स्लोपिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन। द अपकमिंग सेशंस आर क्रूशियल फॉर द बुल्स एज दे एम टू डिफेंड द क्रिटिकल जोन, वो 44,000 और 43,800 का जो सपोर्ट है वहाँ पे इसको मिल रहा है, जो इसे तोड़ने की ज़्यादा उम्मीद है। फेलियर टू होल्ड दिस सपोर्ट 44,000 और 43,800 अगर इसको तोड़ देता है कुड ट्रिगर एडिशनल डिक्लाइन पोटेंशियली पुशिंग द इंडेक्स टूवर्ड्स 43,000 भी आ सकता है अगर 44,000 और 43,800 टूट जाता है। तो कुणाल साहब बता रहे हैं ये LKP सिक्योरिटीज की।
ऑन द अपसाइड ही फील्स इमीडिएट ऑब्स्टेकल फॉर द इंडेक्स लाइज एट 44,200 पे ऑब्स्टेकल है. इफ द इंडेक्स मैनेजेस टू ब्रिज दिस लेवल इट कुड सेट द स्टेज फॉर फर्दर अपवर्ड मूवमेंट टुवर्ड्स 44,500 की लेवल भी हम देखने को मिल सकता है. उसके बाद द पाइवट पॉइंट कैलकुलेटर बता रहा है पहला सपोर्ट निफ्टी बैंक को मिल सकता है 45,902 पे, दूसरा 43,783 पे, तीसरा 43,590 पे. वहीं रेसिस्टेंस का बात कर लेते हैं तो रेसिस्टेंस उसे मिल सकता है 44,287 पे, दूसरा 44,406 पे, तीसरा 44,599 पे. ये हुआ सपोर्ट और रेजिस्टेंस. कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन डाटा को भी समझ लेते हैं. एज पर द ऑप्शन डाटा वी हैव सीन मैक्सिमम मंथली कॉल ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है 19,300 पे, जो जहाँ पे 1.27 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहा है. उसके बाद जो एक रेजिस्टेंस का काम अब करेगा तो 19,500 कल तक वहाँ पे सबसे ज़्यादा ओआई था, अब घट के 19,300 पे शिफ्ट हो गया है. तो ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 19,500 से ओआई घट के 19,300 पे आ गया, 500 से घट के 19,500 से घट के 19,300 आ गया. तो ये एक ध्यान देने वाली बात है. इट वॉज फॉलोड बाई 19,400 के स्ट्राइक पे 92,00,000 कॉन्ट्रैक्ट है और 19,500 पे 81,00,000 कॉन्ट्रैक्ट है. वहाँ बहुत कॉन्ट्रैक्ट घट गया है. मैक्सिमम कॉल राइटिंग हुआ है 19,300 के स्ट्राइक पे, जहाँ पे 62,00,000 कॉन्ट्रैक्ट है. 20,300 के स्ट्राइक पे 14,00,000 कॉन्ट्रैक्ट, 19,200 के स्ट्राइक पे 11,00,000 कॉन्ट्रैक्ट है. मैक्सिमम कॉल अनवाइंडिंग हुआ है 19,500 के स्ट्राइक पे, जहाँ 76,00,000 कॉन्ट्रैक्ट कम हुआ है. 19,400 के स्ट्राइक पे 56,00,000 कॉन्ट्रैक्ट, 19,600 के स्ट्राइक पे भी 56,00,000 कॉन्ट्रैक्ट है. पुट ऑप्शन डाटा को समझ लेते हैं. जो ऑन दी पुट फ्रंट द मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट वाज सीन 19,200 के स्ट्राइक पे देखने को मिल रहा है, जहाँ पे 1.13 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट है. तो 19,200 जो है एक सपोर्ट का काम करेगा, 19,300 जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा. काफ़ी लोअर लेवल पे मार्केट काम कर रहा है अभी. तो 19,000 के स्ट्राइक पे 67,00,000 कॉन्ट्रैक्ट है, 19,100 के स्ट्राइक पे 50,00,000 कॉन्ट्रैक्ट है. पुट राइटिंग हुआ है, पुट राइटिंग का मतलब होता है पुट लोग शॉर्ट किए हैं. 19,200 के स्ट्राइक पे 6.91,00,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किया है. 18,900 के स्ट्राइक पे 4,00,000 कॉन्ट्रैक्ट, 18,400 के स्ट्राइक पे 2.79,00,000 कॉन्ट्रैक्ट. पुट अनवाइंडिंग हुआ है 19,300 के स्ट्राइक पे, जहाँ 80,00,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट अनवाइंडिंग हुआ है, यानी लोग पुट जो शॉर्ट किए थे पैसा उसको कमा के निकल रहे हैं. उसके बाद 19,000 के स्ट्राइक पे 25,00,000 कॉन्ट्रैक्ट है, और फिर 19,400 के स्ट्राइक पे 18,00,000 कॉन्ट्रैक्ट है. ये हुआ कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन डाटा. हाईएस्ट डिलीवरी कौन से स्टॉक में देखने को मिल रहा है? हाईएस्ट डिलीवरी का मतलब है लोग इन्वेस्टर जो है वहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं. तो टाटा कम्युनिकेशन पे है, भारतीय एयरटेल पे है, श्री सीमेंट पे है, एबीसी आदित्य बिरला कैपिटल पे है, यूपीएल पे है, एनटीपीसी पे है, ब्रिटेनिया पे है, पीएफसी पे है, कोल इंडिया पे है, डाबर है, यानी सारे सेफ सेक्टर हैं जो लोग पैसा इधर शिफ्ट कर रहे हैं. रोल ओवर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है आईसीआईसीआई बैंक पे, गोदरेज प्रॉपर्टी पे, डाबर पे, मैकडॉनल्ड्स पे, जिंदल स्टील पे, ग्रासिम पे, चोलामंडलम फाइनेंस पे, आयसर मोट पे, डालमिया भारत पे, एमसीएक्स पे. तो यहाँ रोल ओवर सबसे ज़्यादा हुआ है. रोल ओवर मतलब लोग पोजीशन क्रिएट किए थे, हो सकता है उन्हें प्रॉफिट हो रहा हो या ना हो रहा हो, वो अगले फ्यूचर में शिफ्ट हुए हैं. लॉन्ग बिल्डअप किया गया है सबसे ज़्यादा, लॉन्ग बिल्डअप का मतलब वहाँ तेज़ी था और तेज़ी बनाया जा रहा है. हिंदुस्तान कॉपर पे, मन्नापुरम फाइनेंस पे, आदित्य बिरला कैपिटल पे, प्रशासन सिस्टम पे, एमसीएक्स पे, बिरला सॉफ्टवेयर पे, मारुति पे, सन टीवी पे. लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, यानी लॉन्ग अनवाइंडिंग मतलब प्रॉफिट हुआ था, पोजीशन लोग क्रिएट किए थे, अब वहाँ से निकल रहे हैं, हो सकता है उन्हें प्रॉफिट अच्छा खासा हो गया हो. वो हैं वेदांता लिमिटेड पे, एनटीपीसी पे, ओएनजीसी पे, मन्नापुरम फाइनेंस पे, एसबीआई कार्ड पे, इफ्का लैब पे, अपोलो टायर पे, बाटा इंडिया पे, एलएनटी पे, एमजीएल पे. शॉर्ट बिल्डअप लोग कर रहे हैं, शॉर्ट बिल्डअप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे बेच के पैसा कमाया जाए. वो स्टॉक है एस्ट्रॉल पे, एचडीएफसी एमसी पे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे, टोरेंट फार्मा पे, कमिंस इंडिया पे, टोटा कम्युनिकेशन, पीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, डाबर, टीसीएस. शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, कहाँ शॉर्ट कवरिंग मतलब शॉर्ट क्रिएट किए थे, अब वहाँ से उन्हें पैसा हो रहा है, निकल रहे हैं. भेल है, इंडिया बुल्स फाइनेंसिंग फाइनेंस है, जुबिलेंट फूड है, एलएनटी है, इन्फोसिस है, सीमेंस है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस है, कोल इंडिया है, दीपक नाइट्रेट है, वोल्टा से बल्ड डील हो रहा है, मेड प्लस हेल्थ सर्विस पे, सोला बेनियार्ड्स पे, प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज पे, ये सारे जो हैं बल्ड डील हो रहे हैं. इन्वेस्टर मीटिंग है एआई इंजीनियरिंग पे, महिंद्रा हॉलीडे पे. स्टॉक ऑन द न्यूज रहने वाला है टोरेंट फार्मा, सिप्ला, कॉन्टिनेंटल कॉर्पोरेशन इंडिया, जीनियस पावर,
पंजाब नेशनल बैंक, इंडिया पेस्टिसाइड, नवनीत एजुकेशन, तो ये सारे स्टॉक हैं जो न्यूज़ में आज रहने वाले हैं। FII ने जो है कल माल बेचा है 2973 करोड़ का, काफ़ी हैवी माल बेचा है, और DII ने परचेज किया है 4282 करोड़ का। तो आज काफ़ी क्रूशियल लेवल होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्लोजिंग दिया है निफ्टी ने 19,250 पे। अब इसे क्या रिस्पेक्ट करेगी, 19,250 को होल्ड करेगी या उसके ऊपर निकलेगी? कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।